नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी खाने की चीज़ें हैं जिनमें फाइबर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइबर शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है। दोस्तों, भोजन के पाचन के लिए फाइबर बहुत ही ज़रूरी तत्व है। फाइबर के कारण आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है। खाने में फाइबर की मात्रा सही तरह से होना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। फाइबर की कमी होने पर आपको कब्ज, बवासीर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल का बढ़ना जैसी समस्याएं हो सकती है। इसके विपरीत इसकी ज़्यादा अगर आप मात्रा ले लेते हैं तो आपकी आंतड़ियों में परेशानी, दस्त और डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। इसलिए अगर आप अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा को बढ़ाने जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी का सेवन करना है। आप अपने खान पान में छोटे से बदलाव के जरिए फाइबर की उचित मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। फाइबर आपको कैंसर, मोटापा, दिल की बीमारियां और डायबिटीज जैसी समस्याओं से बचाता है। पुरुषों को हर रोज़ 35 से 40 ग्राम फाइबर की ज़रूरत होती है, तो वहीं महिलाओं को अगर देखा जाए तो रोज़ाना 25 ग्राम फाइबर लेना आवश्यक होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अपने खाने में सिर्फ 15 ग्राम ही फाइबर को ले पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना फेवरेट खाना छोड़ दें और अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन कर लें। आपको हम कुछ ऐसे आहार बताने जा रहे हैं जिन्हें खाने से आप फाइबर को प्राप्त कर सकते हैं। इन खाने वाली चीज़ों में फाइबर भरपूर मात्रा में मिलता है। इन चीज़ों को अगर आप फाइबर का उच्चतम स्रोत मानेंगे तो यह आपके शरीर से फाइबर की अगर कमी हो रही है तो उसको पूरी कर देंगे। तो अब जानते हैं कि ऐसे कौन से बेस्ट फूड हैं जिनको अगर आप खाते हैं तो आप अपनी फाइबर की मात्रा शरीर में बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आता है मटर। जी हाँ दोस्तों, एक कप मटर के दानों में 16.3 ग्राम फाइबर पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप मटर को कच्चा या फिर उबाल कर किसी भी तरह से खा सकते हैं और अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर में अगर फाइबर की मात्रा कम है तो वो बढ़ जाएगी। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों गेहूँ का आटा। अगर आप कोई पकवान बना रहे हैं तो मैदे की बजाय गेहूं के आटे का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। वैसे चोकर वाले आटे में फाइबर भी और भी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है ब्राउन ब्रेड। दोस्तों, गेहूं से बनी हुई ब्रेड और पास्ता को खाने से भी आपको फाइबर की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। अगली चीज़ है रेशेदार सब्जियाँ। सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। सब्जियों में फाइबर की मात्रा प्रचुर मात्रा होती है, जैसे कि मूली, पत्ता गोभी, गाजर, चुकंदर, खीरा आदि को फाइबर का बेस्ट सोर्स माना जाता है। अगली चीज़ आती है फल। फलों का सेवन करना चाहिए। नाश्ते और मुंह मीठा करने के लिए फल खाएं, लेकिन फलों का जूस ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जूस बनाने के लिए फलों में से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फाइबर बाहर निकल जाता है। इसलिए फलों को हमेशा छिलकों समेत ही खाना चाहिए, क्योंकि असली फाइबर फलों और सब्जियों के छिलकों में ही पाया जाता है। अगली चीज़ जो फाइबर को बढ़ाती है वह होती है ड्राई फ्रूट्स, जैसे दोस्तों सलाद, दही और अनाज में सूखे मेवे को मिलाकर अगर आप खाते हैं तो ये आपके शरीर में फाइबर की मात्रा को बढ़ाता है और यह खाना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगली चीज़ आती है भुट्टा। फाइबर आपको अनाजों से भी भरपूर मात्रा में मिल जाता है, जैसे कि भुट्टा। एक हिस्से से कम आपको 4 ग्राम फाइबर की प्राप्ति होती है। अगली चीज़ आती है ब्राउन राइस। अपने खाने में सफ़ेद चावल की बजाय ब्राउन राइस को शामिल करें। ब्राउन राइस में फाइबर की मात्रा पर्याप्त होती है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगली चीज़ है ओटमील। ओटमील में बीटा ग्लूकेन होता है, जिसे खास किस्म का फाइबर माना जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगली चीज़ है दालें। अपने खानों में दालों को आपको ज़रूर शामिल करना है दोस्तों, जैसे कि राजमा और अलग अलग प्रकार छिलके वाली दालें। छिलके वाली दालों में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है और अगर ऐसे में आप इनका सेवन करते हैं तो यकीनन आपके जो शरीर में है वो फाइबर की मात्रा अगर कम है तो उसको ये बढ़ा देगा और आपकी फाइबर की मात्रा पर्याप्त हो जाएगी।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।